नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बस के द्वारा यहाँ जोधपुर से माउंट आबू तक जाने वाले हैं। बने रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस पूरे सफर को एंजॉय करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी जोधपुर से अहमदाबाद जा रही है, जो हमें आबू रोड तक लेके जाएगी और आबू रोड से आगे फिर चेंज करके माउंट आबू हम पहुंच जाएंगे। आइए सफर शुरू करते हैं। ये हमारी गाड़ी और ये हमारी सीट यहाँ पर। अभी हमारी गाड़ी यहाँ से जोधपुर बस स्टैंड से बाहर निकल रही है, रवाना हो चुकी है और 3 बजे के करीब ये अभी आबू रोड छोड़ने वाली है और आबू रोड से फिर दूसरी बस चेंज करके माउंट आबू जाएंगे। बने रहे पूरे वीडियो मेरे साथ ही और इस पूरे सफर को मेरे साथ एंजॉय करें। और ये रेलवे स्टेशन राई का बाग रेलवे स्टेशन। ये पावटा चौराहा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही ये तांगा यहाँ पर चलता है। देखिए आप, ये जोधपुर में अभी भी तांगा चलता है। और ये अभी हम इस ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं। ये किसान भवन यहाँ जिसमें मैं रात में रुका था। ये रोहट आ गया है 30-35 किलोमीटर जोधपुर से चलने के बाद। अगला स्टेशन रोहट और यहाँ से पाली अभी 20-25 किलोमीटर रह गया। अभी हम पाली आ गए हैं। जोधपुर से पाली तकरीबन 50-60 किलोमीटर है। पाली का नया बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड पाली।
अभी हम पाली से चल पड़े हैं। ये पाली बस स्टैंड के सुमेरपुर बस स्टैंड आ गया जिला पाली। सिरोही का बस स्टैंड आ गया है, यहाँ से पापू रोड तक जाएंगे इस बस में और फिर वहाँ से माउंट आबू के लिए दूसरी बस निकलेगी।
हमारी बस हमें यहाँ तलहटी पे उतार दिया है और यहाँ से अभी ये माउंट का रास्ता है माउंट आबू के लिए और इधर ये आबू रोड जो रास्ता गया है और ये तलहटी है, इधर से हमारी गाड़ी आई थी। तो अभी उधर सामने चलते हैं और आगे की जो भी हमें साधन मिलने वाला है माउंट वो देखते हैं। और अभी हमें ये भाई मिले हैं जीप में, जीप पीछे से सामान से भरी हुई है और यहीं पे आगे थोड़ी सी जगह बैठने के लिए मिल गई है, 50 रुपया चार्ज करेंगे हमसे और ये हमें ऊपर माउंट तक लेके जाएंगे, माउंट आबू पहुंचा देंगे। कितना टाइम लग जाएगा भैया? 1.5 घंटा? 40 मिनट? चलो 40-45 मिनट में माउंट आबू पहुंचते हैं, बने रहे हमारे साथ में आप भी। और ये भाई के साथ इस जीप में हम यहाँ तक पहुँच गए माउंट आबू। ये माउंट आबू का सामने थाना और ये यहाँ सामने इधर बस स्टैंड। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।